मैं पिछले 8-10 साल से पारदर्शिता लाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, पेपर लीक रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, धांधली सेटिंग रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, परीक्षा माफियाओं शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। सुखद परिणाम सामने आ रहा है कि कम से कम केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को माना है कि पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है और मेधावी स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारदर्शिता शब्द का जिक्र तो किया, और हम तो 10 से 15 साल सजा देने का प्रावधान की मांग भी कर रहे हैं। 10 साल किया भी गया, 10 साल किया। हम केंद्र सरकार ऐसा कानून लाती है तो बिहार सरकार और अन्य सरकारों पे दबाव बनेगा, और दबाव तो बिहार में पहले से, बड़े बड़े अधिकारी को हटना पड़ा है बिहार से, तो बिहार तो समस्याओं से जूझ रहा है। और आज देखिए कि बाहर कहीं पेपर लीक होता है तो उसमें बिहार का नाम आ जाता है, बीएसएससी सीएसबीसी और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा भर्ती करके। इस समय अभी बहुत बाकी है क्योंकि ये लोग अभी सुधार करना ही नहीं चाहते। ये कानून ये भी उसमें सरकार संशोधन करे, केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं और बिहार सरकार से भी, कोई इस तरह के मामला में है तो ऐसे लोगों को किसी पद पे ना बिठाया जाए, कभी किसी पार्टी का मेंबर ना बनाया जाए, सांसद विधायक का टिकट ना कोई पार्टी दे ना बन सकता, ये भी होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के संयुक्त अधिवेशन का को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में एक महत्वपूर्ण बिल के बारे में चर्चा की। आपको बता दें कि पेपर लीक और परीक्षा माफिया से पूरा देश परेशान है और हमारा राज्य बिहार इन सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि दुर्भाग्य है हमारे राज्य का कि देश में कहीं भी पेपर लीक होता है या गड़बड़ी होता है तो उसके तार बिहार से जरूर जुड़े होते हैं। तो बता दें आपको हम कि राष्ट्रपति जी के द्वारा ये कहा गया कि संसद में इसको लेकर बिल लाया जा सकता है, और जो समाचार पत्रों में खबरें निकली हैं उसके मुताबिक एक कठोर बिल जो है वो पेपर लीक से संबंधित केंद्र सरकार संसद में लाएगी और इसी सत्र में उसे पास हो जाने की संभावना है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। आपको बता दें कि लगभग 8-10 सालों से बिहार की सड़कों पर पेपर लीक, परीक्षा माफिया, स्कॉलर गैंग, गड़बड़ी, अपारदर्शिता को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, जेल भी जा चुके हैं, कई बार थाना भी जा चुके हैं, हिरासत में लिए गए हैं, और आज जो है काफी खुश हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने इनके बहुप्रतीक्षित और सबसे आवश्यक मांग पर विचार करते हुए बिल लाने का प्लान किया है। दिलीप जी, कल राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है वो संयुक्त अधिवेशन के अभिभाषण में ये कहा गया कि बिल लाया जाएगा, पेपर लीक, परीक्षा माफिया, ये सब जो गड़बड़ी करते हैं पूरे देश पर लागू रहेगा, हर एक परीक्षा में लागू रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने इस बात को रखा। प्रधानमंत्री जी भी ने भी नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल, मुझे याद है उस समय मैं एम्स में ऑपरेशन कराने गया था, तो 19 तारीख को मेरा ऑपरेशन था और शायद 20 को या 21 को उनका कोई कार्यक्रम था, नियुक्ति पत्र वितरण, उसमें उन्होंने पारदर्शिता की बात कही थी। सरकारी बहालियों में, नौकरियों में पारदर्शिता कितनी जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसका उन्होंने कहा था कि पारदर्शिता जो है वो योग्यता का सम्मान है। सम्मान है, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से पारदर्शिता लाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, पेपर लीक रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, धांधली सेटिंग रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, परीक्षा माफियाओं शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, और लगातार पिछले 8-10 साल से। अब देखिएगा कि हम इस चीज को लड़ाई लड़ते लड़ते जेल भी गए, जेल भी भेज दिया गया हमें, कई बार थाना में रखा गया, बहुत सारी बातें हुई, लाठीचार्ज हुआ, कई बार घायल हुए, चोट लगा, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज ऊपर तक पहुंचा है, दिल्ली तक पहुंचा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचा है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि आंदोलन का असर जरूरी नहीं होता कि आज के तो आज ही हो जाता है, बहुत सारा चीज क्या आज आंदोलन के आज ही उसका फल मिल जाता है। मैंने उस समय भी कहा था ये जरूरत नहीं कि आज हम कर रहे हैं तो आज ही उसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जरूर होगा, और लगातार जो हम करते रहे तो आज उसका परिणाम, सुखद परिणाम सामने आ रहा है कि कम से कम केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को माना है कि पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है और मेधावी स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनकी आत्मा का मर्डर है, उनके करियर का मर्डर है। और आज देखिए कम से कम ये सहमति बनी है और ये घोषणा जब राष्ट्रपति द्वारा हुई है इसका मतलब है कि बिल आएगा, और हम तो 10 से 15 साल सजा देने का प्रावधान की मांग भी कर रहे हैं। 10 साल किया भी गया है। 10 साल किया, 10 साल से 15 साल किया, अब सरकार के ऊपर है कितना करे। हम तो लगातार मांग की कि जो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया हो, पेपर लीक में संलिप्त हो, वैसे लोगों को 10 से 15 साल की सजा का प्रावधान हो। अगर वो सरकारी नौकरी में तो उसको नौकरी से पहले बाहर किया जाए, बर्खास्त किया जाए, जब तक कि वो दोष उसका जो है दोष मुक्त वो ना हो जाए। अगर दोष मुक्त हो जाता तो अलग बात है, मान लीजिए कहीं कोई आरोपी लगा दे तो अलग चीज होता है, लेकिन दोष अगर साबित हो गया तो फिर उसको
सरकारी नौकरी से पहले आप हटाइए, और दोष मुक्त हो जाए तो फिर बहाल हो जाएगा, वो तो होता ही है हर जगह, तो वो अलग चीज है, लेकिन तत्काल उसको नौकरी से बाहर कीजिए, उसकी सारी संपत्ति जब्त कीजिए, 10 से 15 साल की सजा वाला कानून लाइए, और जो अभ्यर्थी हो, जो सेटिंग में संलिप्त हो, पेपर लीक में संलिप्त हो, उनको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए, किसी परीक्षा में वो शामिल ना हो, लेकिन रुक जाएगा पेपर लीक, और उनको भी 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाए, रुक जाएगा पेपर लीक। यहाँ क्या है बराबर, दिलीप जी एक प्रावधान है उसमें कि राज्य सरकारें चाहे तो अलग से कानून बना सकती है या फिर इसी को लागू कर सकती है, बिहार को लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए, वो तो सेंट्रल में कोई कानून बनता है तो बहुत सारा चीज ऐसा है कि पूरे देश में वैसे ही लागू होता है, कुछ सूची ऐसी है जिसमें कि राज्य सरकार उसको चाहे तो लागू कर सकती है, नहीं तो फिर उसमें संशोधन करके अपने अनुसार लागू करे या ना करे, राज्य सरकार पे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार ऐसा कानून लाती है तो बिहार सरकार और अन्य सरकारों पर दबाव बनेगा, और दबाव तो बिहार में पहले से, क्योंकि आप देखिए एसके सिंघल को क्यों हटाया गया, पेपर लीक के चलते जब हम लोग मांग किए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हम किए, मांग किए, तो एसके सिंघल को हटाया गया, सीएसबीसी के चेयरमैन जो कि बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, हटना पड़ा। इससे पहले बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष को जेल जाना पड़ा, हटना पड़ा। तो ये तो लगातार बिहार में परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी के अमरेंद्र कुमार को हटना पड़ा, उनको भी हटाया गया पेपर लीक के चलते ही। तो ये जो बड़े बड़े अधिकारी को हटना पड़ा है बिहार से, तो बिहार तो समस्याओं से जूझ रहा है, और आज देखिए कि बाहर कहीं पेपर लीक होता है तो उसमें बिहार का नाम आ जाता है कि बिहार का सेटर उसमें संलिप्त था, तो बिहार की बदनामी हो रही है। तो इसलिए ये बिहार के लिए तो और ज्यादा जरूरी है कि बिहार में ऐसा कानून बिहार सरकार लाए, जिसमें हम तो केंद्र सरकार 10 साल कर रहे हैं ना, तो 10 से 15 साल की मांग कर रहे हैं, स्पीडी ट्रायल भी लागू होगी, स्पीडी ट्रायल लागू हो। जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल लागू किए, तो उसी तरह शिक्षा माफियाओं पर स्पीडी ट्रायल लागू किया जाए, और देखिए उसके बाद उसकी संपत्ति जब्त। आज आपको पता है बड़ा बड़ा शिक्षा माफिया बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना लिया है, पार्टी को चंदा देता है, उसको टिकट दे देता है पार्टी, बहुत सारा पार्टी बिहार में विधायक का चुनाव लड़वाता है, सांसद का चुनाव लड़वाता है, कितने शर्म की बात है। और वो बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है, सिटिंग में रहता है, वैसे लोगों को टिकट देता है पार्टी के लोग। तो ये सब चीज बंद होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, और हम ये भी कहते हैं एक कानून ये भी उसमें सरकार संशोधन करे, केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं और बिहार सरकार से भी, कि कोई इस तरह के मामला में है तो ऐसे लोगों को किसी पद पे ना बिठाया जाए, कभी किसी पार्टी का मेंबर ना बनाया जाए, सांसद विधायक का टिकट ना कोई पार्टी दे ना बन सकता, ये भी होना चाहिए। नहीं तो यह तो होता है जेल से लड़ लेगा, सांसद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा पैसा के बल पे, हो भी रहा है। ये सब चीज बंद होना चाहिए, और हम तो बिहार सरकार से भी मांग कर रहे हैं इसकी कानून जल्द लाइए और शिक्षा माफियाओं को रोकिए, क्योंकि इससे बदनामी तो सरकार की भी हो रही है, बिहार की छवि खराब हो रही है। अभी जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, बिहार का तार जुड़ गया, उड़ीसा का कोई एग्जाम का था यहाँ का तार जुड़ गया उससे, यूपी का कितना बार हुआ यहाँ से, गुजरात महाराष्ट्र व्यापम घोटाला है मध्य प्रदेश, यहाँ से पीएमसीएच से छात्रों को उठा कर ले जाया गया था, व्यापम घोटाले में मेडिकल का जो था उसमें, तो पीएमसीएच के हॉस्टल से लड़का को उठा के ले गया था, पुलिस उठा के ले गई। तो ये तो चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे सेटिंग का खेल चल रहा है। तो समझिए कि हम 2016 से लड़ना शुरू किए हैं, लोग हमको इधर जान रहे होंगे, हम 2016 से लड़ रहे हैं, और 19 से तो मतलब नेतृत्व करना आंदोलन का शुरू कर दिए, जब हमने देखा कि भाई आंदोलन में कुछ लोग आते हैं आंदोलन को बेच देते हैं और शिक्षा माफियाओं से मिले रहते हैं, तब हम आंदोलन में लीड करना शुरू किए, और किसी भी पार्टी के नेता किसी भी संगठन या टीचर को आने पर प्रतिबंध लगा दिया कि हमारे आंदोलन में कोई नेता कोई शिक्षक नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने देखा उससे पहले कई लोगों को देखा शिक्षक है नेता है शिक्षा माफियाओं से मिले हुए आंदोलन में आके वाहवाही लूट रहे हैं स्टूडेंट को गुमराह कर रहे, तो हमने इस चीज पर रोक लगाया। देखिए आज बहुत सारा सुधार बीपीएससी में हुआ, पेपर लीक को उजागर हम किए, तब बीपीएससी में बहुत सुधार सिविल सेवा में हुआ, बीपीएससी में देखिए बहुत सारा एग्जाम अभी उसके बाद हुआ तो अच्छे से हुआ है, बीएसएससी में पेपर लीक उजागर हुआ उसके बाद उसमें भी थोड़ी बहुत सुधार होना शुरू हुआ, लेकिन अभी बीएसएससी सीएसबीसी और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा भर्ती का जो इस समय अभी बहुत बाकी है, क्योंकि ये लोग अभी सुधार करना ही नहीं चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। अभी बीपीएससी को सिर्फ छोड़ दीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग को, तो बाकी जितने भर्ती आयोग है सबका पेपर लीक हो रहा है, धांधली सेटिंग खुलेआम हो रहा है। तो इसलिए ये कानून बनना जरूरी है। और एक चीज और जो हम बराबर मांग करते रहे थे कि जो सर्विस में हो वैसे लोगों को किसी बोर्ड या भर्ती आयोग का चेयरमैन या कुछ भी बनाइए, रिटायर्ड लोगों को नहीं बनाइए। एक अपवाद स्वरूप अतुल प्रसाद जी हैं जो रिटायर्ड हैं, फिर भी वो उनको बनाया गया तो उन्होंने अच्छा काम किया, नहीं तो अधिकतर जगह देखिए कि रिटायर्ड लोगों को बना रहे हैं तो वो धांधली सेटिंग में संलिप्त है, कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। तो सर्विस में जो लोग रहते हैं तो उनको थोड़ा डर रहता है कि हम सर्विस में हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुआ या हम पकड़े गए तो हमारा सारा ये चीज खराब हो जाएगा, पिछला सर्विस ये एक
लेकिन जो रिटायर कर चुके हैं उनको कोई डर नहीं रहता है, उनको तो रहता है रिटायर है ही, अब क्या दिक्कत है, हटा देंगे हटा देंगे। तो ये चीज भी होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्शन हर जगह है, अगर कोई रिटायर IAS हो या IPS हो, अगर वो अच्छे हैं तो उनको रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका मतलब पेपर लीक को लेकर जो है सरकार कड़ाई बरते, कड़ाई बरते, ये जरूरी है। और इसको लेकर तो हम शिक्षा सुधार रोजगार अभियान भी चला रहे थे ना, 2022 में भी चलाए, 2023 में भी चलाए हैं, फिर हम चलाएंगे, पूरे बिहार में जाएंगे हम, फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे। तो लगातार मेरा तो मांग ही यही पहला रहा था कि पेपर लीक रोको, ये सब संलिप्तता जो है उसको कठोर कार्रवाई हुई, तो लगातार हमारी मांग रही है और केंद्र सरकार ने इस मांग को माना है। तो हम तो धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारदर्शिता शब्द का जिक्र तो किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम यही चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी भी इस चीज का जिक्र करें और सभी भर्ती आयोग को आदेश दे कि पारदर्शिता लाइए, और नहीं लाते हैं पारदर्शिता उसको हटाइए, वैसे चेयरमैन तो हटाइए। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी ये माना है कि देश जो है वो पेपर लीक परीक्षा माफियाओं की करतूतों से परेशान है और योग्यता का सम्मान पारदर्शिता ही, न्यायपूर्वक भर्ती ही है। और इसी दिशा में ये बिल लाया जा रहा है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में बिल आएगा और संभावना है कि बजट सत्र में ही ये पास हो जाएगा और बहुत बड़ा मददगार होगा ये बिल उन परीक्षाओं के लिए, उन योग्य अभ्यर्थियों के लिए जो वर्षों से कड़ी मेहनत करते हैं और सरकार के ही आयोग के ही भरोसे रहते हैं कि उनका चयन होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक करें, हमारे चैनल द बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।